निकोल हैज इनहेरिटेड अ रेस्टोरेंट फ्रॉम हर अंकल, ठीक है, द रेस्टोरेंट हैड बीन अंडर परफॉर्मिंग एंड वॉज क्लोज्ड 6 महीने अगो. अब वो इस जगह पे एक नया रेस्टोरेंट बनाने का सोच रहे हैं. निकोल वॉन्ट्स टू बिगन अ न्यू रेस्टोरेंट इन द प्रेमिसेस विद अ न्यू नेम एंड अ न्यू कुजीन. शी हैज परफॉर्मड सम मार्केट रिसर्च इन द एरिया एंड डिटरमिंड दैट देयर इज अ डिमांड फॉर रेस्टोरेंट ऑफरिंग मेडिटेरेनियन कुजीन. देयर इज लिटिल लोकल कॉम्पिटिशन फॉर सच कुजीन बट देर आर मेनी अदर रेस्टोरेंट्स ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ कुजीन्स. निकोल हैज डिसाइडेड टू फॉलो अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉर हर रेस्टोरेंट एंड टू चार्ज प्रीमियम प्राइसेस. Consider how the activities in a value chain for the proposed restaurant could be used to create such a comparative position. Ji bhai, 5 se 7 minute ka time de raha hu. Apne paas jot down karo bullet points mein ki kis tarah ek high end restaurant ko perform karna chahiye jo behtareen premium charge karna cha raha hai, charge premium prices aur behtareen services dena cha raha hai differentiation strategy ke hisab se. Jo log recorded lecture bhi le wo yahan pe apne lecture ko pause kare, isko attempt kare और फिर उसके बाद आगे अपने लेक्चर को सुने. ऑल राइट, सो आई बी डन विद द आंसर. कोई अपना आंसर शेयर करना चाहेगा? एक प्रीमियम प्राइस चार्ज करने वाले रेस्टोरेंट को क्या क्या चीजें ख्याल रखनी चाहिए? एनीवन? अगर हम इसे इसकी एक्टिविटीज में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो क्या क्या हो जाती है? सर, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है, एट द सेम टाइम फिर उसके बाद टेस्ट, कुकिंग, रेसिपीज, ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी, आई मीन दी the on floor service, to the customers, ठीक है, उनके लिए variety और value for money, क्योंकि हम prices कम नहीं रख रहे, prices हम अच्छे charge कर रहे हैं, value for money, और फिर feedback management, यानी अगर उनको कोई क्वेरी पेश आती है, कोई मसला आता है, इस तरह की कोई चीज आती है, तो हम फौरन से उनको एड्रेस करें. जैसे कबाब जी इस कुलाची हमें फोन करता है ना कि भाई कल आप आए थे डिनर के लिए, कैसा लगा, आपका फीडबैक क्या है. हम अगर कोई शिकायत करते हैं तो वो अगले दिन कोई टिक्का शिक्का भेज देते हैं, कोई छोटा मोटा केक भेज देते हैं, या कोई स्वीट डिश भेज देते हैं, ऐसी कि यार कस्टमर नाराज ना हो, ये सारी चीजें. सो बहरहाल इन सारे डोमेन्स में एवरीथिंग शुड बी प्रीमियम, high end and trained staff, highly trained staff, ठीक है ना, highly trained staff. बहुत ही ज्यादा आपका अच्छा स्टाफ होना चाहिए, आपकी रॉ मटेरियल परचेज प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी हो, टेस्ट और कुकिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, प्राइसेस जिस तरह की आप चार्ज कर रहे हैं वैसी आप उन्हें वैरायटी दें, वैसी आप उन्हें सर्विस दें ऑन फ्लोर, इतने लोग अवेलेबल हों, उनका फीडबैक अच्छे से लिया जाए, ऑर्डर लें तो एक बंदा उनके ऑर्डर पे खड़ा हुआ हो, उनसे बार बार पूछा जाए, कोई चीज गलत डिलीवर ना हो. फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन खाने की बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन खाने की बहरहाल बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो ये सारे एलिमेंट्स अगर आप मेक श्योर कर लेते हैं तो फिर लोग आपको वो प्रीमियम चार्ज या वो डिफ्रेंसिएशन वाले पैसे देने के लिए रेडी भी होंगे. अब मैं 35 लाख रुपए की 40 लाख रुपए की गाड़ी निकलवाऊं और मुझे उसके अंदर कलर टोन का डिफरेंस नजर आए डिग्गी और बोनेट के बीच में, तो कस्टमर दोबारा गाड़ी लेने नहीं आएगा, और वो इतना बुरा रिव्यू पोस्ट करेगा सोशल मीडिया पे कि कोई और मुझसे दोबारा परचेस करने भी नहीं आएगा. सही है ना? सो फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव इन पांचों चीजों में आपको बहरहाल ख्याल रखना है. तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, लोगों से आप रिव्यूज कलेक्ट करें, उनके फीडबैक के ऊपर आप उन्हें जवाब दें या उनको जो है वो एड्रेस करें, फिर उसके बाद वेराइटी बहुत अच्छी हो, कस्टमर्स की सर्विस काफी अच्छी हो, ये सारी चीजें बहरहाल जो है वो होनी चाहिए. अगर ये सब चीजें आपकी इसके अंदर मिल जाती हैं तो आप एक अच्छा रेस्टोरेंट माना जाएंगे, और फिर उसके बाद वक्तन फवक्तन यह आपका एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बन जाएगा, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बन जाए. ऐसा ना हो कि आपने हाइप क्रिएट कर दी हो, जैसे स्टेक बाय सीएफयू है, हाइप क्रिएट की हुई है, महीने दो महीने में अपॉइंटमेंट मिलता है, चार चार छह छह दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है, लेकिन टेस्ट के बारे में लोग कहते हैं नहीं यार बस शशके वाली जगह है, कोई बहुत अच्छा या बहुत जबरदस्त किस्म का टेस्ट नहीं है, ठीक है ना.
अब आ जाते हैं स्वॉट एनालिसिस में. सो स्वॉट एनालिसिस के चारों एलिमेंट्स अब मुकम्मल हो गए. अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में हमने पढ़ा पेस्टिल, हमने पढ़ा डायमंड और हमने पढ़ा फाइव फोर्सेस. ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अंदर हमने पढ़ा रिसोर्सेस, कैपेबिलिटीज और हमने पढ़ लिया एट द सेम टाइम रिसोर्सेस, कैपेबिलिटीज और वैल्यू चेन. ये छह चीज हमारी मुकम्मल हो गई. कंपनी को अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में अंदाजा इन तीनों से होगा और कंपनी को स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का अंदाजा इन तीनों से होगा. ठीक है, और उसके बाद फिर कंपनी अपने लिए एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी बना सकती है कि यार अब उसने किस तरीके से मूव करना है, बिजनेस स्ट्रेटजी किस तरह से मूव करना है, किस तरीके से इसको जो है वो समझना है. सो बहरहाल अब कोई स्वॉट एनालिसिस के अंदर ऐसे जितनी बड़ी चीज रह नहीं जाती, आप उसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद उसे यूज करेंगे. किस तरह से यूज करेंगे? स्ट्रेंथ दैट मैच नो अपॉर्चुनिटी आर ऑफ लिटिल यूज. आपके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में, तो फिर बेकार है, उस पर फोकस नहीं करो. अ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस इज अ स्ट्रेंथ दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड. अगर कोई ऐसी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस है आपके अंदर और आप उसे मार्केट में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो फिर एक्सप्लॉइट करो, यानी कि उसको यूज करो, मटीरियलाइज करो, उसको मटीरियलाइज करो, यूज करो. ठीक है, एट द सेम टाइम स्ट्रेटजीज कैन बी डेवलप्ड व्हिच न्यूट्रलाइज वीकनेसेस और कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रेंथ्स. अपनी वीकनेसेस को आप जो है उस तरीके से करेंगे अपने प्रोडक्ट में नजर ना आए. ठीक है, कन्वर्ट थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड मैच स्ट्रेंथ्स विद अपॉर्चुनिटीज. अब ये कन्वर्ट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटीज की हमने पहले एक एग्जाम्पल पढ़ी थी कि मान लो भाई एक कंपनी है, वो ऑयल में डील करती है, उसके लिए थ्रेट क्या है? उसके लिए थ्रेट है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. तो हमने कहा भाई लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को स्ट्रेटजी ये रखनी चाहिए कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस को अडॉप्ट कर ले और इन पे काम करना शुरू कर दे. तो जो आज थ्रेट है कल वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, जो आज वीकनेस बनी हुई है कल वो स्ट्रेंथ बन जाएगी. कंपनी ऐसी स्ट्रेटजी बना सकती है और फिर अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को मिला के आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं. तो इसी तरीके से बहरहाल स्वॉट एनालिसिस को इस्तेमाल किया जाता है और कंपनी अपने फ्यूचर को बहरहाल डिवाइस करती है. ठीक है ना. कंसिडर द फॉलोइंग स्वॉट फॉर अ स्मॉल एडवर्टाइजिंग एजेंसी. इट हैज 12 स्टाफ, 4 ऑफ होम आर ज्वाइंट ओनर्स. 12 बंदों ने एक एजेंसी खोली हुई है, 4 उसमें ओनर है. इट हैज अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस across many industries such as healthcare, training, publishing, sports, financial institution. However, it has never taken working capital management and the financial side of the business seriously, even to the extent that it can never be sure that clients are being billed properly. Inka finance acha nahi hai, value chain mein baki sab acha hai, finance acha nahi hai. It has now a chance to bid for a new large national contract from a major company. Its overall SWOT looks as follows. Is company ka SWOT kaisa nazar aata hai? भाई वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग टीम है, प्रॉफिटेबल है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इसकी गेयरिंग बहुत कम है, अवार्ड्स मिले हुए हैं बहुत सारे, डिफरेंशिएटेड पर्सनल सर्विस देते हैं. 60 इयर्स हो गए इनको काम करते करते. इनका काम जो है वो बहुत ज्यादा हाई है. रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा हाई है. कंट्रोल नहीं है, पुअर कंट्रोल है अकाउंट और बिलिंग के ऊपर. लिमिटेड एक्सेस है डेट फाइनेंस पे. ओवरड्राफ्ट की लिमिट रीच कर चुके हैं. लैक्स एबिलिटी टू सर्विस वेरी लार्ज क्लाइंट्स. 40% of turnover from 2 clients, dependency बढ़ जाती है आपकी. आपकी यहाँ पर dependency बढ़ जाती है. Recent complaint about tone of an advert. ये बहरहाल basically इसको हमने इस तरीके से किया हुआ है कि ये एक basic scenario हमें यहाँ पे given है. फिर खुद बताया कि आप इस तरह की weaknesses और इस तरह की strength यहाँ पे डाल सकते हैं. ये बहरहाल एक कोई case study नहीं है जिसको हम solve कर रहे हो, क्योंकि तुम लोगों को लग रहा होगा जो बातें यहाँ लिखी हैं इसकी डिटेल ऊपर नहीं है. बेसिकली उन्होंने एग्जाम्पल्स दी है कि इस तरह की वीकनेसेस और इस तरह के बेसिकली चीजों को जो है वो हम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी, टेंडर फॉर अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड ओवरसीज, लॉन्च इन इंटरनेट, मार्केटिंग एडवाइजरी, बाय अराइवल, मूव इनटू फिल्म प्रोडक्शन. ये सारी चीजें एजेंसी से ही आगे कर सकते हैं, इनके पास और अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है. थ्रेट क्या क्या है जी? रिसेशन आ जाए
या लॉस हो जाए कोई बैंक सपोर्ट का, किसी मेजर क्लाइंट का, मार्केटिंग जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी ना रहे, ई मार्केटिंग की तरफ लोग चले जाएं, इनको उस पर R&D करनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कि स्टाफ छोड़ के चला जाए या इनको कोई और आके एक्वायर कर ले, इनके पास पैसे वगैरह कम पड़ जाए। इस तरह से वायरल एग्जाम्पल में थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज और वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स जो है वो लिखी जा सकती है। सो यहाँ पे हमारा ये पूरा चार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस का, पेस्टिल, फाइव फोर्सेस, डायमंड, कैपेबिलिटीज, वैल्यू चेन और स्वॉट। अब जो कमिंग क्लास है इंशाल्लाह ताला उसमें हम कोई नया टॉपिक एज सच नहीं लेंगे, हम इन्हीं छह की जो कंबाइंड कोई केस स्टडी है वो केस स्टडी करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें थोड़ा बहुत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एंगल भी आ जाए तो वो भी हम यहाँ पे कवर कर लें, केस स्टडी करेंगे और केस स्टडी के साथ साथ क्वेश्चंस। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको रिवाइज करके आए, जो हमारी कमिंग सैटरडे वाली इंशाल्लाह क्लास होगी रिवाइज करके आए, और फिर उसके बाद हम इसको जो है वो मुकम्मल कर लें। सो एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, ये दोनों हमारा यहाँ पे डन हो गया, और इस तरीके से हमने स्वॉट को यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। क्या ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक, इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट, सबको समझ आता है, किसी को कोई सवाल, एनीवन? चलें जी।